आज हम सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत परिचयम अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे, जिसमें ऐसे जीव आते हैं जो बहुत सूक्ष्म नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जो हैं ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। इस तरह से ये जो सूक्ष्म जीव है हमारे दैनिक जीवन में बहुत से उपयोगी होते हैं और कुछ हानिकारक भी हैं। कुछ जीव जो सूक्ष्म जीव हैं ये जंतु एवं मानव में रोग उत्पन्न करते हैं, जंतु एवं पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं, और दूसरे जो जीव हैं जी सूक्ष्म जीव जो कि जीवों के लिए लाभदायक होते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में, कृषि के क्षेत्र में, औषधि के क्षेत्र में, उद्योगों के क्षेत्र में, इन सभी स्थानों पर सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म जीवों से बहुत सारे पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं। इन्हीं की सहायता से उत्पाद प्राप्त होते हैं जो कि औद्योगिक स्तर पर यौगिक के रूप में या पदार्थों के रूप में उपयोग किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कवक के अनुप्रयोग। कवक एक ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो सरल एक कोशिकीय जीव होते हैं। इसकी जो संरचना होती है तंतु के समान हाइफी संरचना से बने होते हैं, केंद्रक उपस्थित होते हैं। कुछ जो सूक्ष्म जीव हैं वह कोशिकीय होते हैं जिसमें केंद्रक वैक्यूल्स उपस्थित होते हैं और सेप्टा पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये कवक की संरचनाएं हाइफी और एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय रचनाएं होते हैं, न्यूक्लियाई और वैक्यूल्स। तो इस तरह से ये कवक की संरचना होती है। सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। एक कोशिकीय होते हैं, सजीवी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं और परजीवी संरचना पाई जाती है। कवकों की खोज लगभग ये अब तक 10,000 प्रकार की कवक जातियों को खोज किया जा चुका है। कुछ कवकों का उपयोग ये औषधि के रूप में एंटीबायोटिक प्राप्त करने के लिए किया गया है। अलेक्जेंडर नमक फ्लेमिंग ने 1928 में पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की, जिसमें 500 प्रकार के प्रतिजैविक प्राप्त किए गए। इसमें जो मुख्य रूप से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा जो एंटीबायोटिक्स हैं, ये एंटीबायोटिक्स औषधि के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अनुप्रयोग के अंतर्गत औषधि के क्षेत्र में, औषधि क्षेत्र के रूप में, जिसमें एंटीबायोटिक्स, कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं औषधि के रूप में, एंटीबायोटिक्स प्राप्त किया जाता है जिसे पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक कवक है पेनिसिलिन नोटेटम। कुछ एंटीबायोटिक्स और हैं जिसमें पेनिसिलिन प्यूबेरिक प्यूबेरिकम, पेनिसिलिन की जातियां हैं जिसमें पेनिसिलिन फ्यूबेरिला
नमक कवक से प्राप्त किया जाता है। इसी तरह ग्लेविन ग्लेविसियन ग्लेविस ग्लेविसियन ये भी पेनिसिलियम की जातियों से पेनिसिलियम ग्लेविफॉर्मी फॉर्मी नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। इसी तरह साइट्रिनम साइट्रिनिन ये भी कवक पेनिसिलियम साइट्रिनम नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। फिबेरिकम पेनिसिलियम फिबेरिलम इसी तरह ये एंटीबायोटिक्स कवकों से प्राप्त किए जाते हैं जो रोगों के उपचार के लिए उपयोग में लाते हैं। विटामिन प्राप्त करने के लिए औषधि क्षेत्र के आधार पर जिसमें विटामिन विटामिन B2 के उत्पादन के लिए B2 का उत्पादन में B2 राइबोफ्लोविन नामक ये विटामिन्स हैं जो कि ईस्ट एस्बिया गॉसिपी नामक कवक से प्राप्त किया जाता है। B2 राइबोफ्लोविन विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लोविन जो कि ईस्ट से प्राप्त होता है एस्बिया गॉसिपी नामक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। एरोमोथीसियम SB दूसरा और एरोमोथीसियम SB कवक ये भी विटामिन B2 प्राप्त होते हैं। इस तरह से विटामिन B2 जो कि राइबोफ्लोविन है ईस्ट से एस्बिया गॉसिपी नामक कवक से और एरोमोथीसियम SB कवक से भी विटामिन B प्राप्त किया जाता है। हार्मोन निर्माण में औषधि के क्षेत्र के आधार पर है हार्मोन जिब्रेलिन नामक जिब्रेला फ्यूजिकोराई फंगस से प्राप्त होता है। जिब्रेलिन नामक हार्मोन हार्मोन निर्माण में जिब्रेलिन नामक हार्मोन ये जिब्रेलिन फ्यूजिकोराई नामक कवक से प्राप्त जिब्रेला
जिब्रेलिन हार्मोन जिब्रेला फ्यूजिकोराई हार्मोन से फ्यूजिकोराई कवक से हार्मोन प्राप्त किए जाते हैं। बेकरी के क्षेत्र में जैसे कि एस्ट सेक्रोमाइसिस रिविसी बेकरी ईस्ट कवक से जो कि ये सैक्रोमाइसिस सैक्रोमाइसिस रिवो सिरोविस किड़वन की फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा ईस्ट सैक्रोमाइसिस सिरोविस नामक फंगस से बेकरी के क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। इसी तरह कवक का उपयोग भूमि की उर्वरता ये थे औषधि क्षेत्र के आधार पर विटामिन हार्मोन और बेकरी के। भूमि की उर्वरता कवक का अनुप्रयोग के अंतर्गत भूमि की उर्वरता कई कवक जो कि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं और भूमि की उर्वरता शक्ति को बनाए रखते हैं। इसमें नाइट्रोजन की वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके ये नाइट्राइट में बदलते हैं नाइट्राइट नाइट्रेट। तो ये भूमि की उर्वरता नाइट्रोजन स्थिरीकरण में उपयोग किए जाते हैं। इसी तरह उद्योग में शराब उद्योग उद्योगों में उपयोग कवकों का उपयोग शराब निर्माण में फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा शर्करा C6H12O6 ये ईस्ट की उपस्थिति में और जाइमेज की उपस्थिति में ये अल्कोहल का निर्माण करते हैं। तो शराब निर्माण में भी कवकों का उपयोग किया जाता है जिससे शराब तैयार किया जाता है। इसी तरह रासायनिक अम्लों के निर्माण में रासायनिक या कार्बनिक अम्लों के निर्माण में रासायनिक अम्लों के निर्माण में रासायनिक अम्लों के निर्माण के अंतर्गत है सैट्रिक अम्ल साइट्रिक अम्ल का निर्माण कवकों की उपस्थिति में ये गोल्ड कवक शर्करा के ऑक्सीकरण द्वारा साइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। पेनिसिलियम ब्यूटियम इसके कवक हैं पेनिसिलियम ब्यूटियम पेनिसिलियम साइटिनम इन कवकों से साइट्रिक अम्ल का निर्माण फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा
होता है। इसी तरह साटिक अम्ल के बाद ग्लूकोनिक अम्ल, जिसमें एस्परजिलस ग्लूकोनिक अम्ल, एस्परजिलस पेनिसिलियम, एस्परजिलस पेनिसिलियम के द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण, ग्लूकोनिक अम्ल का निर्माण होता है। कुछ कार्बनिक लैक्टिक अम्ल के बाद ग्लूकोनिक अम्ल के बाद है लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल जिसमें सुक्रोज का राइजोपस पोराइजी के द्वारा फर्मेंटेशन हो जाता है। राइजोपस राइजोपस ओराइजी के द्वारा सुक्रोज का फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। इसी तरह रासायनिक अम्लों के निर्माण के अंतर्गत है गैलिक अम्ल, इसमें गैलिक अम्ल टेनिन के एस्परजिलस गैसोमाइसिस गैलोमाइसिस एस्परजिलस गैलोमाइसिस एस्परजिलस गैसोमाइसिस एस्परजिलस गैसोमाइसिस फंगस के द्वारा गैलिक अम्ल का निर्माण किया जाता है। इस तरह इसमें ये कार्बनिक अम्ल या रासायनिक अम्लों के निर्माण में उपयोग में लाए जाने वाले फंगस हैं। इसके साथ ही पनीर उद्योग में पनीर उद्योग जिसके अंतर्गत पनीर निर्माण के लिए फंगस का विशेष प्रकार के कंबर्ड प्रकार की पनीर प्राप्त होता है, पेनिसिलियम रुक्यू फर्टाई पेनिसिलियम पेनिसिलियम रुक्यू फर्टाई पनीर फंगस से प्राप्त होने वाली फर्मेंटेशन के द्वारा ही पनीर बनाए जाते हैं। इसी तरह एंजाइम बनाने में कुछ एंजाइम्स के लिए उपयोग होता है, जिसके अंतर्गत एस्परजिलस और जाइमेज इससे प्राप्त होते हैं एंजाइम निर्माण में। एंजाइम निर्माण के अंतर्गत एस्परजिलस और जाइमेज एंजाइम निर्माण में काम आते हैं। इसी तरह अनुसंधान के क्षेत्र में न्यूरोस्पोरा नामक
अनुसंधान के क्षेत्र में नीरा स्पोरा नमक फंगस के द्वारा अनुसंधान के क्षेत्र पे अनुवांशिक तथा अनुसंधानों में इसका उपयोग किया जाता है। जैविक नियंत्रण में जिसमें जैविक नियंत्रण के अंतर्गत पदार्थों को नष्ट करके सड़ाकर ह्यूमस उत्पन्न करते हैं और इस तरह से आइसेरिया और इम्पूशा नमक कवक जैविक नियंत्रण में भाग लेते हैं। जीवों को नष्ट करके ये रोगों से मुक्ति कराते हैं। जैविक नियंत्रण ने दूसरे जीवों को नष्ट करने वाले जो जीव हैं ये जैविक नियंत्रण के रूप में भाग लेते हैं, आइसेरिया और इम्पूशा। इसी तरह वर्णकों के निर्माण इनकी हाइफी और स्पोर्स रंगीन होते हैं जो कुछ वस्तुओं को रंगने बीजाणु या स्पोर्स रंगीन होते हैं जो वस्तुओं को रंगने में काम आते हैं। मनस्कस इसका उदाहरण है, मनस्कस जो कि चावल को रंगने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह वातावरण को शुद्ध करने के लिए ह्यूमस में बदलकर वातावरण को शुद्ध करता है। तो इस तरह से कवकों का जो अनुप्रयोग है विभिन्न क्षेत्रों में हम अनुप्रयोग देखते हैं। औषधि के क्षेत्र में जिसके अंतर्गत विभिन्न विटामिन्स एंटीबायोटिक्स का उत्पादन हार्मोन का निर्माण और ये औषधि क्षेत्र के अंतर्गत, साथ ही बेकरी के क्षेत्र में जिसमें विभिन्न उत्पादों को बनाने के लिए फंगस फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा उत्पाद तैयार होते हैं। इसी तरह भूमि की उर्वरकता में जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण पादपों के लिए सबसे अधिक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, प्रोटीन निर्माण के लिए जीवों की जैविक क्रियाओं के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो ये फंगस के द्वारा ही नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। इसी तरह उद्योग के क्षेत्र में जिसमें विभिन्न उद्योग के अंतर्गत शराब बनाने में फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा शराब एल्कोहल के रूप में जो सुक्रोज या ग्लूकोज हैं ये जैमेज और ईस्ट की उपस्थिति में एल्कोहल का निर्माण होता है। रासायनिक या कार्बनिक यौगिक के निर्माण में जैसे कि साइट्रिक अम्ल विभिन्न प्रकार की फंगस जो साइट्रिक अम्ल का निर्माण करते हैं और इस तरह से ग्लूकोनिक अम्ल लैक्टिक अम्ल गैलिक अम्ल ये सब उद्योग के क्षेत्र में कार्बनिक पदार्थों के निर्माण के लिए फंगस का उपयोग किए जाते हैं। इसी तरह पनीर उद्योग जो कि सबसे अधिक कंबर्ड प्रकार की एक विशेष पनीर के निर्माण बनाए जाते हैं और इस तरह ये पनीर उद्योग में काम आते हैं। उसी तरह अनुसंधान में न्यूरोस्पोरा नामक जो फंगस है इसका उपयोग अधिक अनुवांशिकी और अनुसंधान के क्षेत्र में कार्य किए जा रहे हैं। इसी तरह जैविक नियंत्रण जो जीवों के नियंत्रण के लिए एक जीव को नष्ट करके क्रिया जो हानिकारक जीवाणु हैं उनको नष्ट करके ये नियंत्रण जीवों का नियंत्रण करते हैं। आइरेशा इम्पूशा ये आइसेरिया और इम्पूशा नमक फंगस है जो जैव नियंत्रण में भाग लेते हैं। वर्णकों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के जिनके हाइफी और बीजाणु हैं ये रंगीन होती हैं जो पदार्थों को रंगने और चावल मनस्कस जो कि चावल को रंगने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह वातावरण को शुद्ध करते हैं, वातावरण को शुद्ध करने के लिए विभिन्न जो फंगस हैं ये ह्यूमस बनाते हैं और पुनः वातावरण में वापस पदार्थों को शुद्ध रूप से लाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं ये कवक के अनुप्रयोग। अब देखते हैं कुछ सूक्ष्म जीव जिसमें वायरस विषाणु
विषाणु के अनुप्रयोग। ये भी सूक्ष्म जीव हैं, बहुत ही नग्न आँखों में दिखाई देने वाले। ये विभिन्न सभी स्थानों पर पाए जाते हैं और ये विशेष परिस्थितियों में भी, जहाँ पर जीवन के लिए उपयुक्त अवस्था न हो, उन स्थानों पर भी पाए जाते हैं। वायरस एक प्रकार से सजीव और निर्जीव की कड़ी के अंतर्गत माना गया है। इसमें कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो निर्जीवों के समान होते हैं और कुछ सजीवों के समान भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको सजीव और निर्जीव के कड़ी बीच की कड़ी माना गया है। जैविक नियंत्रण, इनके जो अनुप्रयोग हैं, सबसे पहले जैविक नियंत्रण, जिसमें जीवाणु भोजी विभिन्न प्रकार के जीवाणुओं को नष्ट करके ये जीवों का नियंत्रण करते हैं। जैसे कि गंगा नदी का जल, गंगा नदी में जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवाणु हैं, इन जीवाणुओं को विषाणुओं के द्वारा, जीवाणु खोजियों के द्वारा भक्षण करके वहाँ के जल को शुद्ध करता है। तो इस तरह से गंगा जल, जिसमें कई करोड़ों मृत शव बहा दिए जाते हैं, फिर भी गंगा का जल शुद्ध रूप होता है, क्योंकि यहाँ जीवाणु भोजी अधिक रूप से उपस्थित होते हैं और सभी शुद्ध रूप से ये जल को शुद्धिकरण करते हैं। रोगों के उपचार में कुछ जीवाणु रोगों के उपचार में, पहला था इसमें जैविक नियंत्रण, दूसरा है रोगों के उपचार में कुछ जीव के रोगों के उपचार के लिए, निमोनिया टीबी रोगों के उपचार के लिए इन वायरसों का उपयोग किया जाता है। प्रदूषित जल के उपचार में जीवाणु भोजी की उपस्थिति के कारण प्रदूषित जल उपचार में प्रदूषित जल जो कि जीवाणु भोजन के द्वारा भक्षण कर लिए जाते हैं सूक्ष्म जीवों को, जिससे जल शुद्ध रूप से प्राप्त होता है। तो इस तरह से प्रदूषित जल के उपचार के लिए भी हम, और वायरसों का उपयोग अनुवांशिकी क्षेत्र में, ये अनुवांशिक में फेसिस के रूप में काम करते हैं, जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। इसी तरह अंतरिक्ष अनुसंधान में, जिसमें जीवाणु भोजी का लयजनक संवर्धन और विकिरण ससूचक के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। अनुसंधान में जैव तकनीक एवं सूक्ष्म जैविक में वेक्टर के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो विभिन्न जो उनके अनुवांशिक पदार्थ हैं, ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका में पहुंचाने का काम करते हैं। भूमि की उर्वरकता के लिए विभिन्न सूक्ष्म जीवों को नष्ट करके वहाँ की भूमि की उर्वरकता को बनाए रखते हैं, ह्यूमस बनाते हैं भूमि की उर्वरकता के साथ। इस तरह से हम वायरसों के भी विभिन्न उपयोग देखते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही आवश्यक है। तो इस तरह से हम सूक्ष्म जैविकी के अंतर्गत विभिन्न जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु कवक और विषाणु, इन सबके जो आर्थिक महत्व हैं, इनके बारे में हमने अब तक अध्ययन किया, जो हमारे जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। इनके बिना हमारे बहुत से काम या विभिन्न क्षेत्र अधूरे हैं, क्योंकि इनके बिना कोई भी जो हमारे उपयोगी पदार्थ हैं, या कृषि के क्षेत्र में देखें, औषधि के क्षेत्र में देखें, बहुत से पदार्थ जो प्राप्त होते हैं, इन सूक्ष्म जीवों से ही प्राप्त किए जाते हैं।
तो इस तरह से हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक जीव हैं और इन जीवों का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में रोज करते हैं या हमारे आसपास रोज ही हमारे दैनिक जीवन में पूर्ण औषधि के रूप में, कृषि के क्षेत्र में जैव नियंत्रण के रूप में किए जाते हैं। तो इस तरह से हम अपना जो मुख्य उद्देश्य है सूक्ष्म जैविकी के अनुप्रयोग, सूक्ष्म जैविकी के अनुप्रयोग के अध्ययन के बारे में हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।